मैं चेयरमैन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन दुर्गेश बिश्नोई हूँ। अच्छा कुछ भी हो। अच्छा चल मैं बताता हूँ। बिल्कुल बेवकूफ है अपने घर से। बिल्कुल बेवकूफ है। बुला बुला पुलिस को। मैं जानता हूँ क्यों जीतने लग रहा है। मुझे समझ नहीं आती। मुझे बात किसने रुकवा सकता है? नहीं कौन नहीं रुकवा सकते? तुम्हें क्या अख्तियार है? तुम पुलिस के आने नहीं क्यों होना क्या बुला सर मैं ठहर जा आज इसके इस बात का मैं करूंगा। मुझे पेन दे मैं इसके ऊपर लिखता हूँ। डीसी के रामजादे बड़ा लाग रही है वीडियो तो वीडियो बना। तुम किसी आदमी को जाने से क्यों रोक सकते हो? क्यों क्यों किसने लगा किसने कहा है तुम्हें सरपंच ने कर सरपंच ने सरपंच कौन होता है? डीसी के आदेश है। डीसी गांव का मुखिया होता है। मैं इसके ऊपर लिख के देता हूँ। छोड़ो जी अपने सारे जाने बुलाने के फिर बने जाने तो जाने तो नहीं मुझे ये समझ नहीं आती। अरे मैं गुआंडी हूँ नहीं मैं मालिक हूँ यहाँ का। पर मैं ये पूछता हूँ ये कौन है मुझे ये बताओ। मैं चौकीदार चौकीदार तू है तू है चौकीदार क्या नाम है तेरा? नहीं नहीं नाम है नाम बैठो वो भी बैठो मैं है वाल्मीकि इन छोड़ के नाम है जगदीश पुनिया ने बोला। हाँ वो तो बुला हो गया राम ने प्यारा हो गया। मैं डीसी से बात करता हूँ पूरी हो गए पागल ना हो नहीं बोलने का नहीं मैंने कहा था नहीं ये क्यों जा रहे हो तू कौन होता है पूछने का बना वीडियो बना वीडियो हाँ हाँ करूंगा करूंगा चल करूंगा बुला गाँव में जा रहे हैं पूछताछ करनी जरूरी है। अरे तुम्हें अथोराइज किसने कराया? तुझे किसने अथोराइज कराया? सरपंच साहब ने कराया। सरपंच नहीं कर सकता नहीं कर सकता नहीं कर सकता हाँ दे रखी है गिद्दड़ बर्बाद है। सरपंच को कोई अथॉरिटी नहीं है कोई सरपंच जो नहीं है पता नहीं क्या हो गया पागल ना दो मिनट में रहने का था मैं तो वहां से आ गया जाने इतना नहीं फर्क पड़ जाता। अरे मैंने कह के अभी 15 मिनट पहले टपे हम दाग दे के आए हैं एक आदमी को ये जगदीश पुनिया जगदीश मेरा दोस्त होया करता हम तो नहीं जानते हमने तो कहेगा अरे तू चौकीदार है ना एक महीने के अंदर अंदर नहीं रहेगा समझा कर समझा अंकल जाओ मैंने यहाँ से उठवा दूंगा अंकल जाओ नहीं मेरा नाम दूंगा देखिए मैं चौकीदार हूँ चौकीदार ना होया
जर्नल हो गया। आप लोग सरकार गाड़ी हो अब घिसो है खींच के देनी हो के बात है कौन सो कहे वो तो फिर यो क्यों आ करे कौन सो के तू हाथ ही लगा रे बता तो हाथ ही लगा रे बता नहीं 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 इसको मैं ना 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 इसको मैं पुलिस से जान दे दे तेरा का सिनेमा में चल 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 यहाँ तेरे वर्गा है ना छत्तीस देखा मैं समझ आई नहीं तू हाथ ही लगा दे कौन लगा तू हाथ लगा तू तू हमने तो हम तो जान ही लग रहे तू बोले फिर दे तू हाथ ही लगा दे आराम बोलना खत्म कर दूंगा जड़ से साढ़े में ऐसे नहीं होना चाहिए रोकी।